देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, एमएम पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। आज सदर मोहतरम जनाब नखबे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने मुझको तीसरी मरतबा हल्के कारवान का उम्मीदवार ऐलान किया। मैं लाख लाख मरतबा अल्लाह का एहसान मंद हूँ और शुक्र अदा करता हूँ मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसके बाद मेरे माँ बाप की दुआ है और मैं एहसान मंद हूँ मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नखबे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का और साथ ही साथ हबीबी मिल्लत अकबरुद्दीन साहब का एहसान मंद हूँ। मुझको तीसरी मरतबा MLA का उम्मीदवार ऐलान किया और मैं इस मीडिया के जरिए मेरे हल्के कारवार के तमाम कॉर्पोरेटर्स और तमाम जमात के वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे हर वक्त मेरा साथ दिया है, मेरे कांधे को कांधा लगाकर काम करे, मेरे जमात के वर्कर्स का मोहिबाले मजलिस का तमाम का एहसान मंद हूँ और मेरे अगले कारवाल की तमाम रहने वाले वोटर्स का एहसान मंद हूँ और ख़ास तौर से हल्के कारवाल का जो वोटर है हर वक्त जमात की तरफ और जमात को मजबूत करने के लिए हर वक्त आगे बढ़कर जमात की मोहब्बत में जमात के लिए दुआ करता है और हर इलेक्शन में जमात के लिए आधी रात को निकल कर काम करता है, पोलिंग के दिन भी काम करता है। मैं उन तमाम हल्के कारवान के वोटर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से मेरी जमात के तमाम एक्टिव वर्कर्स का, सदर मोहतमदीन का, मोहिबान मजलिस का, मेरे तमाम हल्के कारवान के साबिका कारपोरेटर्स और कारपोरेटर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं फिर एक मरतबा तमाम से अपील करता हूँ कि हल्के कारवान की मेरी पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आपके पास कोई भी कुछ काम ब्यालस होंगे बचे हुएंगे इंशाल्लाह उन तमाम कामों को, अभी काम जारी भी है, कुछ काम बाकी है, इंशाल्लाह उन तमाम कामों को इलेक्शन के बाद करूँगा। मैं ख़ास तौर से मेरी पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम से गुजारिश करता हूँ कि 30 तारीख तक इसी तरीके से जमात का साथ देंगे, जमात के हाथ सदर मोहतरम के हाथ को मजबूत करेंगे और आने वाले 30 नवंबर को हम तमाम मिलकर अपनी जमात के उम्मीदवारों के हक़ में वोट इस्तेमाल कर जमात के उम्मीदवारों को भारी अक्सर से कामयाब करेंगे। फिर एक मरतबा मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से नखिब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का और हबीब मिल्लत अकबर साहब का एहसान मंद हूँ, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह सुबहाना व तआला का लाख लाख फजल है कि अल्लाह सुबहाना व तआला ने मुझे हल्के याकूतपुरे से इलेक्शन लड़ने का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पे जो मौका दिया है, मैं अल्लाह उसके रसूल का शुक्र बजा लाता हूँ। उसके बाद में नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसके साथ साथ जनाब अहमद पाशा खादरी साहब मोतमद उमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MLA याकूतपुरा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मेरे बड़े भाई जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब MLA चार मीनार, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और तमाम याकूतपुरे की आवाम का तहदिल से न सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बल्कि उनको ये उम्मीद दिलाना चाहता हूँ, अगर अल्लाह सुबहाना व तआला ने मुझे मुंतखब किया है हल्के याकूतपुरे की अवाम की खिदमत के लिए तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बज़रूर अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर खिदमत को बराबर अंजाम दूंगा। अल्लाह का करम है
कि मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन ने मुझे 2009 में शहर हैदराबाद का मेयर बनने का, डिप्टी मेयर बनने का जो मौका दिया, मैंने 2 साल एज ए डिप्टी मेयर काम किया। बाद में 2014 में जमात ने मुझे अल्लाह के फजल करम से नामपल्ली का MLA का टिकट दे के मुझे मुंतखब जो अवाम की है, उसके बाद 2018 में नामपल्ली का भी जो टिकट दे के मुझे नामपल्ली के अवाम ने जो मुंतखब किया है, मैं उन सब का तहदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ख़ास तौर से नामपल्ली के अवाम को मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जितने दिन भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह रहा, अल्लाह उसके रसूल को हाजिर और नाजिर जान के जितना हो सकता काम किया, आइंदा भी मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के जो नए उम्मीदवार जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साहब साबिका मेरे, इनसे भी मैं उम्मीद करता हूं कि मुझसे बेहतर काम करके नामपल्ली की आवाम का आप ना सिर्फ दिल जीतेंगे बल्कि नामपल्ली आवाम की मुतमईन करेंगे। अब रहा सवाल याकूतपुरे का, मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करता हूं। मैं अभी यहां पर तालाब कट्टे में आया हूं, हमारे बड़े भाई जनाब मम्मी भाई साहब के घर, उसके बाद सुलेमान डेयरी यहाँ पर आया। और एक चीज़, नामपल्ली के बाद में मुझे जो यहाँ पर मौका मिला है जनाब यासर अरफा साहब, 2014 में मेरे इलेक्शन के ज़िम्मेदार थे और नामपल्ली के इंचार्ज थे, उसके बाद में 2018 में यासर अरफा साहब को याकूतपुरे की जिम्मेदारी दी गई है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि यासर अरफा साहब के साथ मुझे फिर दोबारा याकूतपुरे के अंदर काम करने का मौका मिल रहा है। मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूँ इंशाल्लाह याकूतपुरे की आवाम को और मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के खायदीन को कभी नाराज़ नहीं करूँगा। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा कि जो भी जायज़ काम मुझसे हो सके वो तमाम के तमाम जायज़ काम को मुकम्मल करने के लिए फिर एक मरतबा अभी जो यहाँ पर इस्तकबाल किया गया है, इन सब का तहदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चूँकि नाम है नाम से इसलिए शुक्रिया नहीं अदा कर सकता क्योंकि इतनी बड़ी फेरिस है, मगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर ब ज़रूर एक टाइम ऐसा आएगा हर आदमी का नाम लेके शुक्रिया अदा करूँगा। चूँकि आप लोग की जो मोहब्बत है मैं जानता हूँ कि याकूतपुरे की आवाम की मोहब्बत ऐसी है कि पहले तो किसी को अपना बोलते ही नहीं, अगर अपना बोले तो छोड़ते ही नहीं। इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद से सदर मजलिस ने मुझे यहाँ पर जो भिजाया है, इंशाल्लाह ताला मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा, जो भी मसाइल है जरूर ब जरूर हल करने की कोशिश करूँगा। फिर एक मेरा साहब जो है उनके वालिद के ज़माने से जैसे मजलिस से वाबस्ता रहे हैं, इनके वालिद 67 में जैसे सीताराम बाग से लड़े थे, उनसे कामयाब हुए थे, असम्बली में गए थे, उनके उन्हीं के जो है उनके जो है सिलसिले से है, लिहाजा जो है अल्लाह चाह तो अच्छे से अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अब की मरतबा याकूतपुरा एक मिसाल बना देगा और इतनी भारी अक्सरियत से याकूतपुरा न सिर्फ कामयाबी देगा कि सदर मजलिस खुद ये कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह याकूतपुरा एक और चंद्रायन गुट्टा और बहादुरपुरा बन चुका है। ये उम्मीद के साथ मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और तमाम का तहदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद सदर मजलिस बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब, सदर कुलियन मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, कायदे मुकर्रमा कुलियन मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन का शुक्रगुजार हूँ। ये मेरे लिए बड़ी इज्जत और फख्र की बात है कि सदर मजलिस ने, सदर बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब ने मुझ जैसे वर्कर पर अपना एतमाद जताया और हमें मौका दिया नामपल्ली के अवाम का खिदमत करने का। मेरे लिए सदर मजलिस के भरोसे की बड़ी अहमियत है। सदर मजलिस पर एक अहमियत और उनकी जो भरोसा है वो बहुत मायने रखता है। मुझे ये मालूम है अगर मेरे को सदर मजलिस के भरोसे पे खरा उतरना है तो मेरे को नामपल्ली के अवाम के तवक्कुआत पर, इब्तदाई सदर मुतमदीन के तवक्कुआत पर खरा उतरना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला मैं मेरे सदर का भरोसा टूटने नहीं दूंगा। मेरे सदर ने जो मुझ पर एतमाद किया है और उसके लिए जिन लोग जान मेहनत करेंगे इंशाल्लाह नामपल्ली की आवाम के तवक्कुआत पे पुरजोर तरीके से उतरने की पुरजोर कोशिश करेंगे। इब्तदाई सदर मुतमदीन जो सदर मजलिस हमेशा कहते हैं कि जमात जदीद की दिस को और मजबूत करेंगे, उनको साथ लेंगे, उनको और ताकतवर बनाएंगे ताकि वो भी आवाम की और जस्तजू से मेहनत कर सकें और इंशाल्लाह नामपल्ली में जिस तरीके से तरक्याती काम मेरे बड़े भाई जाफर हुसैन मेरा साहब ने किए हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे जब जाफर हुसैन मेरा साहब यहाँ पे MLA थे कई करोड़ों रुपये के तरक्याती काम हुए,
इंशाल्लाह उसी को आगे बढ़ाते हुए। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन, 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम, खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स, महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।